भी आ जाए कोई मसला नहीं होगा। रात में प्रेस करके रखो पे उसमें तो वो सिल्वर टाइप बन जाए, बहुत बुरी लगती है, तो मैं उसको ना आयरन स्टैंड पे करके छोड़ देती हूँ। ये आपके लिए इतना अच्छा ना, एंड दिस इज फॉर माय सेल्फ, ये मेरे लिए टिंगलिंग। बहुत खूबसूरत से फूल खिले हुए और बहुत सारे वहाँ पे खिले हुए हैं। तुम पहले बता देती मैं इतनी देर से लैब में रहती हूँ। हम अपनी क्लास ले रहे थे ना, हमें क्या पता। खैर जनाब, फिलहाल मैं इकरा को ज़बरदस्ती केमिस्ट्री कैंटीन लेके जा रही हूँ। बेटा कंप्यूटर लैब में तुम लोग की क्लास कब से ऑफ हुई? हाँ तो हम काम कर रहे थे ना अरीबा, हम तो अपना थीसिस का काम कर रहे हैं, अरीबा का थीसिस का काम नहीं है तो वो चली जाएगी। फिलहाल इकरा तभी हुई है क्योंकि इकरा को मैं ज़बरदस्ती लेके जा रही हूँ केमिस्ट्री कैंटीन, फिर वहाँ से मैंने इकरा को लेके जाने भेजी, तो इकरा का मीटर ऊपर वाला शॉट हो गया। शॉट शॉट शॉट। तुम खुशबू सुन लो ठीक है, अपना मन शांत करो, इकरा दिमाग। हाँ हाँ दिमाग शांत करो, बहुत अच्छे हैं ठीक है। अल्लाह तुमसे तो अच्छा। मैं तो पैसे लाई नहीं, इसके अंदर तो पैसे ही नहीं है। नहीं है मेरे पर्स में पैसे नहीं है। मैं जा रही हूँ घर, चल निकल, चल निकल। मेरे पास ही तो पैसे हैं, और जैसे लोगों के पास पैसे होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। बता तेरे पास पैसे हैं? नहीं मेरे पास नहीं ना, बस बस बात खत्म। टेंशन मत लो ठीक है, तुम टेंशन ले लियो, दर्द मेरे सर में हो रहा है। सच्ची में मेरे सर में दर्द हो रहा है क्या? फिलहाल वेट कर लो, वेट। मेरे वाकई में सर में दर्द हो रही है, लेकिन बात है कि मैं लोगों को बताती नहीं हूँ, मैं फिर भी हंसती रहती हूँ। समझ में आ रही ना बात आपको? अच्छा और दूसरी चीज़ ये, अब आप वेट कर ले मेरे पार्सल का ठीक है जी। तुम्हें जाना है तो जाओ इकरा, फिर तुम याद रखना। इतनी गर्मी में मैं अभी बैठी हुई हूँ, बैठ जाओ थोड़ी देर, दोस्तों के लिए बैठा नहीं जा सकता। फिलहाल हम केमिस्ट्री कैंटीन आ चुके हैं और मेरे पार्सल का वेट हो रहा है, वो बन जाए तो फिर हम लेके चलेंगे पीजी कैंटीन ठीक है ना इकरा, हम चलेंगे ना पीजी कैंटीन। इकरा पागल हो गई है बेचारी, मेरा बच्चा, मैं तुझे केक खिलाऊं। ये पकड़ ले। क्या पकड़वाया मुझे? मैं अपना फूल पकड़ूंगी, चलिए आइए आइए, चलिए मोहतरमा आ जाइए आ जाइए आ जाइए। खुश हो तुम? किसकी राम कहानियाँ सुनने जा रहे? खुश हो तुम? हाँ हाँ। अब पीजी चले अगर खुश हो तो? नहीं जा रही ठीक है, नहीं जो मैं आयशा को बोल दूंगी, आयशा को बोल दूँ, मैं एक जगह चली गई, तुम जल्दी से लेकर आ जाओ। मैं आयशा को बोल दूंगी इकरा नहीं गई, मेरे काम है, अगर नहीं काम होता मैं तुम्हारे साथ जरूर जाती। अच्छा ना मत दिमाग खराब करो, किधर जा रही है, किस कचरे में घुसना है, इधर से जाना है ना, मुझे नहीं पता है ना, मुझे नहीं पता उसको काम करने, काम की टेंशन की वजह से इसे कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे काम नहीं होना तो काम नहीं होना तो उसमें गुस्से की क्या बात है, ये तो मर्दों की हरकतें होती हैं। हाँ काम नहीं हो रहा तो गुस्सा आ जाता है, काम कर रहे होते तो गुस्सा आ जाता है। अच्छा जी इकरा को मैंने बख्श दिया, इकरा जाए ठीक है, मैं खुद जाऊंगी पीजी, नहीं जरूरत मुझे तुम जैसे दोस्तों की। दरअसल पड़ी हुई अपने काम की टेंशन, जब इसको किसी काम की टेंशन होती है तो उसको गुस्सा आता है, और जब इसको गुस्सा आता है तो ये कोई काम नहीं करती है। और अगर मेरा काम ना हो रहा हो तो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरा काम ना हो रहा हो तो मैं सब काम छोड़ के कैंटीन चली जाती हूँ खाने पीने। ऐश करो यार, आखिरी सेमेस्टर है, क्या फालतू में टेंशन है पालना। बट फिलहाल पीजी जाते हैं ठीक है, पीजी से जो चीज़ें लेनी है वो लेते हैं और फिर वापस आते हैं अपनी लैब में। सबसे पहले तो भाई ये केमिस्ट्री कैंटीन का चिकन मंचूरियन है विथ फ्राइड राइस, और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ये उस दिन आयशा ने खाई थी तब भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, दैट्स वाई आज ही मैंने ऑर्डर किए और अब मैं खाऊंगी। इसके अलावा जो दूसरा काम हो रहा है वो ये है,
जी इसके अलावा जो है वो ये है कि भाई हमारी एक बड़ी प्यारी सी टीचर हैं, ठीक है, जो कि रिटायर्ड हो रही है, मतलब रिटायर्ड नहीं हो रही, मतलब वो यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रही हैं, तो हमने उनके लिए यहाँ पर एक गिफ्ट अरेंज किया है। इसके अलावा हमारे पास केक है जो कि आपने स्टार्ट ऑफ द व्लॉग में देखा होगा, और अभी मिस आई हैं तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम जाएँगे और मिस को ये गिफ्ट भी देंगे और केक भी कट करेंगे। स्पून ये खा लेते हैं। केक हमने कट मिस ने कट कर दिया था, उसके बाद हमने मिस के रूम में बैठ के केक खाया, और जो अब जो बच गया है वो मैं और आयशा खाएंगे। आशा पौधों को पानी डालने जा रही है, उसके बाद हम लोग जो हैं वो रिक्शा लेंगे और घर की तरफ बढ़ेंगे, और उस साइड से सारे काले बादल आ रहे हैं। बारिश फिर भी नहीं होगी, बट मैं होप्स हो कि हो जाए। फ़िलहाल मैं धूप के नीचे खड़ी हुई हूँ, लेकिन उस साइड से काले बादल आ रहे हैं, सो वी जस्ट होप कि बारिश हो जाए।